सो फाइनली गाइज, आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं वीवो T3 5G डिवाइस के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कि आप इसमें किसी भी नंबर को कॉल वेटिंग में कैसे रखेंगे। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मोबाइल में किसी भी नंबर को कॉल वेटिंग में रखना, तो आप एकदम सिंपली तरीके से कर सकते हैं। कॉल वेटिंग का मतलब होता है कि आपके मोबाइल पर जब भी कोई भी कॉल करेगा तो कॉल आपको वेटिंग में करने के लिए कहता है। तो कैसे करेंगे कॉल वेटिंग सेटिंग को इनेबल, तो चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें अपने मोबाइल के जो है डायल पैड में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ मोबाइल के डायल पैड में। डायल पैड में आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की ओर 3 बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट। आपको उस पर जो क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लॉक स्पैम कॉल्स मिलेगा, एंड यहाँ पर नीचे मिलता है कॉल सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पर कॉल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि यहाँ पर जैसे सिम वन से करना है कॉल वेटिंग को, या सिम टू से। मैं यहाँ से आपको सिम टू से करके दिखाऊंगा। तो इस पे इसलिए आपको सिम टू पर जो है दूसरे नंबर मिलेगा कॉल वेटिंग, तो आपको उस पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेटिंग सेटिंग्स हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कॉल वेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उसको जो इनेबल कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपडेटिंग सेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिर से वेट कर लेना है। अभी अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो मैं चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। आपको भी थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉल वेटिंग सेटिंग इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप इस मोबाइल में किसी भी कॉल को वेटिंग में रख सकते हैं।